और पौड़ी से बड़ी खबर है, उत्तराखंड कांग्रेस का धरना, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। पौड़ी डीएम पर कार्रवाई की मांग की गई है, पुलिस से हुई नोकझोंक। सोशल मीडिया पर उप जिलाधिकारी आकाश जोशी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर उप जिलाधिकारी और कांग्रेस नेता नितिन मिश्र की तीखी झड़प ने उप जिलाधिकारी अमर्यादित तरीके से कांग्रेस नेता विपिन नितिन मिश्र के साथ पेश आ रहे हैं, जिस पर अब उप जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो पौड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता नितिन बिष्ट की उप जिलाधिकारी के साथ में झड़प हुई थी, जिसमें तीखी बहस हुई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी अमर्यादित तरीके से कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट के साथ में पेश आ रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर अब कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है, उनकी तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऑडियम पर कार्रवाई की मांग की गई है, पुलिस से हुई नोकझोंक। सोशल मीडिया पर उप जिलाधिकारी आकाश जोशी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर उप जिलाधिकारी और कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट की तीखी झड़प ने उप जिलाधिकारी अमर्यादित तरीके से कांग्रेस नेता विपिन नितिन मिश्र के साथ पेश आ रहे हैं, जिस पर अब उप जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो पौड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता नितिन बिष्ट की उप जिलाधिकारी के साथ में झड़प हुई थी, जिसमें तीखी बहस हुई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी अमर्यादित तरीके से कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट के साथ में पेश आ रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको लेकर अब कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है, उनकी तरफ से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है।